क्या आप एक किसान हैं और आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और आप नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं किसी रॉकेट साइंस की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गौमूत्र और गाय के गोबर से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप जानना चाहते होंगे कि कैसे होगा मुनाफा, तो बने रहिए हमारे साथ और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है बॉस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दिखित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से राजनीति बहस का केंद्र बन रही गाय अब किसानों का उद्धार करने के काम आएगी। एक तरफ वे दूध बेचकर पैसा कमा सकेंगे तो दूसरी ओर गोमूत्र से खाद और कीटनाशक बना सकेंगे। हालांकि गोमूत्र फायदा करता है या नहीं, ये हमेशा बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने बकायदा लिखित में यह बात कही है कि गोमूत्र कैसे खेती किसानी के काम आएगा, किसान घर बैठे कैसे इसका कीटनाशक बनाकर कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। इससे किसानों को कीटनाशक पर खर्च घटेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पौधे की बढ़त यदि रासायनिक खाद से ही संभव होता तो सारा जंगल सूख गए होते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि मिट्टी में पौधे के लिए जरूरी तत्व पहले से ही मौजूद है। इन्हें गाय के गोबर और गोमूत्र से एक्टिव किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अकॉर्डिंग गोमूत्र और गोबर सस्ती एवं सर्वश्रेष्ठ खाद है। यह जमीन को उपजाऊ और शक्ति को बनाए रखती है। गोबर एवं गोमूत्र की खाद से पैदा होने वाली सब्जियां और फसल रासायनिक खाद के मुकाबले स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इसका इस्तेमाल करके आप कीटनाशक के जहर से बच जाते हैं। विभाग दावा करता है कि कृषि वैज्ञानिक इस बात पर एकमत है कि रासायनिक खादों और कीटनाशक के इस्तेमाल से नष्ट हुई जमीन की उपजाऊ शक्ति का एकमात्र विकल्प गोबर और गोमूत्र की खाद है। कृषि वैज्ञानिक साकेत कुशवाहा का कहना है कि गाय का गोबर और गोमूत्र खेती के लिए लाभदायक है। यह कई शोधों में साबित हो चुका है, लेकिन इसमें आगे और रिसर्च करने की जरूरत है। कृषि विभाग के मुताबिक भारतीय नस्ल की देसी गाय के 1 लीटर गोमूत्र को एकत्रित कर 40 लीटर पानी में घोलकर यदि दलहन तिलहन और सब्जी आदि के बीज को 4 से 6 घंटे भिगोकर खेती में बुआई की जाती है तो बीज का अंकुरण अच्छा जोरदार एवं रोग रहित होता है। बीज जल्दी जमता है। इसके इस्तेमाल से जमीन के लाभकारी जीवाणु बढ़ते हैं। जो खराब जमीन है वो ठीक हो जाती है। सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि जमीन की बारिश का पानी सोखने और रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। गोमूत्र कीटनाशक से फसल हरी भरी हो जाती है और रोगों का प्रकोप कम होता है। गोमूत्र एवं तंबाकू की सहायता से भी कीटनाशक तैयार किया जाता है। इसके लिए 10 लीटर गोमूत्र में 1 किलो तंबाकू की सूखी पत्तियों को डालकर उसमें 250 ग्राम नीला थोथा घोलकर 20 दिन तक बंद डिब्बे में रख देते हैं। फिर इसके लिए 1 लीटर में 100 लीटर पानी मिलाकर घोल का छिड़काव करने से फसल का बालदार सूंडी से बचाव हो जाता है। इसका छिड़काव दोपहर में करना चाहिए। और हाँ, अगर आप एक है किसान तो ये विधि भी आप देख कर जाइए, जिसे आप अपना सकते हैं। कृषि अधिकारियों के मुताबिक गोमूत्र और लहसुन की गंध के साथ कीटनाशक बनाकर रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए 10 लीटर गोमूत्र में 500 ग्राम लहसुन कूटकर उसमें 50 मिलीलीटर मिट्टी का तेल मिला देते हैं। मिट्टी के तेल और लहसुन के पेस्ट को गोमूत्र में डालकर 24 घंटे वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। फिर इसमें 100 ग्राम साबुन अच्छी तरह मिलाकर और हिलाकर महीन कपड़े से छान लेते हैं। 1 लीटर इस दवा को 80 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव से फसल को चूसक कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि गोमूत्र और नीम की पत्तियों से भी कीटनाशक बनता है और वह फसल को कई प्रकार के रोगों से बचाने में काम आता है। बूढ़ी गाय का मूत्र ज्यादा लाभदायक होता है। सिक्किम में किसान इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। IIT दिल्ली को पंचगव्य यानी कि गाय के गोबर मूत्र दूध दही और घी के लाभों पर रिसर्च करने के लिए विभिन्न एकेडमिक और रिसर्च संस्थानों से 50 से ज्यादा प्रस्ताव मिले हैं। सरकार ने 19 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है जो गोमूत्र से लेकर गोबर और गाय से मिलने वाले हर पदार्थ पर रिसर्च करेगी। इसमें RSS और BHP के 3 सदस्य भी शामिल हैं। तो आई होप कि दोस्तों अगर आप एक है किसान तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई सवाल है तो जाओ तो कमेंट करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हां दोस्तों, कमेंट में ये जरूर बताना कि आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके राज्यों का भी अपडेट लेकर आ पाऊं मैं जल्द से जल्द।